हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं दो टेबल्स हमारे पास हैं, पहला कस्टमर डिटेल और दूसरा डेट। ये दो टेबल्स हमने बनाई है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी क्रिएट कराया है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है, यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट है और ऑर्डर डेट है। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी डेट को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, डेट एड फंक्शन लगा करके कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। हम इस फंक्शन को डेटा शीट व्यू में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फॉर्म व्यू में लेकर के इसको देखते हैं। तो ये फॉर्म डिजाइन पर हम जा चुके हैं, यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे आएंगे और यहाँ से ऑर्डर आईडी पिकअप कर लेते हैं, फिर ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, फिर यहाँ से ऑर्डर डेट। तो ये डेट वाले टेबल से है, अब कस्टमर वाले टेबल से कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम पिकअप करना है बस। तो ये हमने सब कुछ पिकअप कर लिया, यहाँ से हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन में लेकर के और अरेंज पर जाकर के यहां से इसे टेबुलर फॉर्म में सेट कर देना है। तो ये टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसको थोड़ा ऊपर के साइड ले जाते हैं, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं ऊपर के साइड, डिजाइन पर, ये डिजाइन पर आ गए। यहां से टेक्स्ट बॉक्स चूज कीजिए और अब जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स चूज करेंगे तो इसको हमें यहाँ पे ड्रैग करवाना होगा, ये ड्रैग हो गया और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको साइड में यहाँ पे रखते हैं। अब यहां से इसको हटा देते हैं, हटा दिया। यहाँ पे अनबाउंड जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, यहां से कट कर लेते हैं, ये कट कर दिया और अब इसको ऊपर करके और यहां पर अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स को पेस्ट करते हैं तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको लेने के बाद इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे हम यहां पर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद क्या करना है, यहां से राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। जैसे प्रॉपर्टीज पे आएंगे यहां से आपको थ्री डॉट्स दिखाई देंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक्सप्रेशन बिल्डर पे आप आ जाएंगे। अब यहां पर वो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेट एड, ये लगा लिया, लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेट एड यहां पे लगाने के बाद यहां पर हमें किसकी जरूरत है, ईयर की जरूरत है, तो वाई फोर टाइम प्रेस कीजिए, ये फोर टाइम वाई प्रेस किया, डबल डॉटेड कॉमा में रखिएगा, कॉमा देंगे। हम कौन सा ईयर देखना चाहते हैं, एक साल करंट ईयर देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी एक डेट आ जाएगी, करंट डेट आ जाएगी। ठीक है, या एक साल पहले की देखना चाहते हैं तो यहां माइनस वन लगाया हमने, तो एक साल ठीक पहले की डेट जो है ये पिकअप करके हमें देगा और करंट डेट देगा। करंट वाली नीचे आप देख सकते हैं, ये 10 तारीख है आज, तो ये करंट वाली ही डेट हमें निकाल करके देगा। चलिए अब यहां से ओके प्रेस कीजिए, ये ओके प्रेस कर दिया हमने, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब ये ओके प्रेस करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। अच्छा, यहां पर क्लिक करने के पहले इसका भी नाम मैं चेंज कर देना चाहता हूं, यहां पे लिख देना चाहता हूं डेट, तो ये डेट लिख दिया हमने बस। अब आपको व्यू पे क्लिक करना है, तो जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर कोई नंबर आ चुका है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई कैसे पड़ेगा, दिखाई पड़ने के लिए आपको वापस जाना होगा डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आने के बाद ये एकदम नीचे पड़ा हुआ है फुटर, फुटर साइड पे, ठीक है, इस फुटर साइड को थोड़ा सा और यहां से हम इंक्रीज करेंगे और ये जो विथ है इसकी, इसको इसको बढ़ा लेते हैं। ये हो गया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अब आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब यहां से व्यू पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं ये 10 तारीख वाली ही डेट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यानी कि पुरानी डेट को ये रिटर्न कर रहा है, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये दिखाया है,